व्हाट्सअप बड़ी, कैसे हैं आप लोग। लंका प्रीमियर लीग 2020 LPL T20 10 मैच तक क्या पोजीशन है सभी टीम्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। आइए ये 10 टीम तक यहां पर हमने क्या किया है, इस एक्सेल शीट में ही आपके हाथ में आपको हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस के बारे में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल, और ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ये तो बताना पड़ेगा मुझे ये कैसे होगा। ये हमारी जो वेबसाइट है cricguru.stores.instamojo.com, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर क्लिक कीजिए और जो मैं ये शीट दिखला रहा हूं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पेमेंट करना चाहे, आई वॉन्ट माइंड, आई विल एक्सेप्ट इट। तो इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा। ये शीट कैसे काम करती है उसका वीडियो बनाया हुआ, वो यहां देख लीजिएगा। अब आते हैं यहां पर। अब हुआ क्या, मैच वन में कोलंबो किंग्स ने, अब जैसे येलो और रेड इसका कॉम्बिनेशन का मतलब समझिए, लेकिन फिलहाल कॉम्बिनेशन का मतलब समझने से, मैच वन में कोलंबो किंग्स ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया, यानी कि फील्डिंग का फैसला लिया, और कैंडी टस्कर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 219 रन बनाए। कोलंबो किंग्स ने भी 219 बनाए, फिर ये सुपर ओवर में गया और अल्टीमेटली विनर वाज कोलंबो किंग्स। अब रेड का मतलब पहली बैटिंग की है, जीता कौन वो येलो में है। अब यहां पर देखिए, दूसरा मैच गैल ग्लेडिएटर्स जाफना स्टॉलन्स के बीच में हुआ। पहली बैटिंग की 175 और जाफना स्टॉलन्स ने 176 बनाया और मैच जीता 19.3 ओवर में, और जाफना स्टॉलन्स वन द मैच। उसी तरह से थर्ड मैच में डेम्बुला वाइक कैंडी टस्कर्स वन द टॉस, ऑप्टेड टू फील्ड एंड गैल डेम्बुला वाइकिंग फर्स्ट बैटिंग करते हुए 185/4 और कैंडी टस्कर्स 9.4। फिर ये डीएल मेथड से, क्योंकि बारिश उरिश हो गई थी, अल्टीमेटली डेम्बुला वाइकिंग वॉन द मैच। इसके बाद कोलंबो किंग्स, यहां पर 5 ओवर का ही मैच हुआ और एंड्रू रसेल ने धुआंधार बारी खेली, और ये मैच फोर में आपको दिखलाना चाहूंगा। एंड्रू रसेल ने किया 19 बॉल में 65 रन मारे, 342 का स्ट्राइक रेट था, है ना कमाल। तो ये एंड्रू रसेल की कहानी थी। उसके बाद नीचे आते हैं, इसके बाद मैच हुआ फिफ्थ मैच, जाफना स्टॉलन्स ने पहले बैटिंग करते वक्त 218 7 विकेट खोके, और डेम्बुला वाइकिंग ने 152 पे ऑल आउट। फिर सिक्स मैच, सेवंथ मैच और एट्थ मैच। अब अगर इस पूरे टेबल को देखें तो कोलंबो किंग्स ने 3 मैच खेले, 2 बार जीती। डेम्बुला वाइकिंग ने 3 मैच खेले, 2 बार जीती। गैल ग्लेडिएटर्स ने 3 मैच खेले, 1 भी नहीं जीती। जाफना स्टॉलन्स ने 3 मैच खेले, 3 जीते, 2 बार पहले बैटिंग करते वक्त, 1 बार चेजिंग करते हुए, और बहुत अच्छी पारी खेल रही है जाफना स्टॉलन्स। और कैंडी टस्कर्स 4 मैच खेले, 1 जीती पहले बैटिंग की हुए। और पॉइंट्स टेबल अगर देखें तो पॉइंट्स टेबल में टॉप टीम है जाफना स्टॉलन्स 6 पॉइंट, कोलंबो किंग्स और डेम्बुला वाइकिंग 4-4 पॉइंट। लेकिन रन रेट, नेट रन रेट देखेंगे कोलंबो किंग्स का तो 0.1330 है और डेम्बुला वाइकिंग का 0.6850 है। तो इसीलिए ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे, कैंडी टस्कर्स फोर्थ टीम है और गैल ग्लेडियर्स 1 भी मैच नहीं जीती, 0 पॉइंट है। शीट काम कैसे करता है, शीट बड़ा सिंपल तरीके से काम करता है, ये आपको ड्रीम 11 में मैच जिताएगा भी। जैसे 8 मैच हो चुके हैं टोटल, 8th मैच, अब 9th मैच में, अब जैसे 9th मैच में आएंगे, जैसे मैं 9th मैच करता हूं, तो 9th मैच जैसे ही मैं करूंगा तो मैं आपको इसमें कुछ डेटा भरना होगा, प्लेइंग 11 का, टॉस गैल ग्लेडिएटर्स ने बॉलिंग की, और फिर हम लोग जाफना स्टॉलन्स, एक मिनट मैं यहां पर है ना प्लेइंग 11 एक बार मैं भर देता हूं। तो गैल ग्लेडिएटर्स का लास्ट मैच हुआ था सिक्स्थ मैच लास्ट हुआ था, तो मैं सिक्स्थ मैच से गैल ग्लेडिएटर्स के प्लेइंग 11 यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। मैंने कॉपी किया और 10th मैच या 9th मैच, 9th मैच होने वाला है, इसमें मैं पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं जाफना स्टॉलन्स में जाऊंगा, जाफना स्टॉलन्स का लास्ट मैच हुआ था 8th मैच, ये मैं 8th मैच में जाऊंगा
और जाफना स्टेलेंस के ये 8th मैच के प्लेइंग 11 को मैं कॉपी करूंगा, 9th मैच में इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, जैसे मैंने पेस्ट कर दिया अब मुझे ड्रीम 11 के शीट में जाऊंगा। अब मुझे ये पता लग रहा है जाफना स्टेलेंस के अविष्का फर्नांडो पहले मैच में 92, दूसरे में या सेकंड मैच में 92, फिफ्थ मैच में 4th और 8th मैच में जो लास्ट मैच है रन आउट हो गए थे, तो 3 रन ही बनाए। विनोद भानुका 18-6-15, धनंजय डिसिल्वा 16-61, टॉम मूर्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अविष्का फर्नांडो इज अ वेरी गुड प्लेयर इन फॉर्म। फिफ्थ मैच में क्या हुआ था इनके साथ, अविष्का फर्नांडो 3 बॉल खेले, 4 रन बनाए और ये आउट हो गए, तो ये कहानी हुई। और टॉम मूर, शोएब मलिक 1-2, हसरंगा ये ऑलराउंडर स्पिन करते हैं, चतुरंगा डिसिल्वा और सुरंगा लकमल, थिसेरा पिरारा। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट प्लेयर आपको नजर आ रहा होगा, और इम्पोर्टेंट प्लेयर थिसेरा पिरारा है, अविष्का फर्नांडो हैं, और धनंजय डिसिल्वा हैं, उस्मान शिनवारी है, इन्होंने 3 विकेट लगातार 2 मैच से ले रहे हैं, तो इज अ गुड प्लेयर। गैल ग्लेडिएटर्स अगर पॉइंट टेबल में देखें गैल ग्लेडिएटर्स एकदम थर्ड में है, गैल ग्लेडिएटर्स फिफ्थ में है, टॉप और फिफ्थ में एक मैच होने वाला है आज 3 बजे से। तो अब आप गैल ग्लेडिएटर्स का अगर आप टीम देखें तो ये गैल ग्लेडिएटर्स के धनुष्का गुणांथिलका 82 रन, हजरतुल्ला जजाई अफगानिस्तान से आते हैं नहीं कुछ कर पाए, आजम खान, भानुका राजपक्षा, मिलिंद सिरवंदा, बहुत अच्छा कुछ कोई प्लेयर इसमें कर नहीं पा रहा इसलिए लास्ट में। मैं अगर गैल ग्लेडिएटर्स के अगर मैं टोटल अगर इनका देखूं गैल ग्लेडिएटर्स का, तो ये एक ऑल स्कोर्स की शीट बनाई थी, ये गैल ग्लेडिएटर्स के टोटल मैच इन्होंने 2-4 खेले, 9th होंगे, यानी कि 3 मैच खेले, 2-4-6 मैच में देखें तो सेकंड मैच में टॉप ऑर्डर 62, मिडिल ऑर्डर 81, लोअर ऑर्डर 22, फोर्थ मैच में 48-10, ये तो 5 ओवर का ही मैच हुआ था इनफैक्ट, और यहां पर टॉप ऑर्डर 97, मिडिल ऑर्डर 25, लोअर ऑर्डर 41। इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं जाफना स्टेलियंस का देखूं तो जाफना स्टेलियंस का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए, टॉप ऑर्डर 128, यहां पर टॉप ऑर्डर कुछ नहीं कर पाई फिफ्थ मैच में टॉप ऑर्डर एकदम फिसड्डी रही, एकदम लोअर ऑर्डर ने 129 बनाया। तो जाफना स्टेलियंस का मुझे लगता है कि दे हैव पूरे लोअर ऑर्डर तक बैटिंग बहुत अच्छी है इनकी, और 8th मैच में देखे तो 79-81 गुड वन, और इनके बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। तो ये ओवरऑल आपको पर्सपेक्टिव दे रहा है सारे टीम्स की। मैं अगर प्लेयर वाइज जाऊं और तो ऑल स्क्वायर्स में अगर मैं जाता हूं प्लेयर वाइज, और मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं, अब मैं यहां सेलेक्ट करता हूं मान लीजिए जाफना स्टेलियंस के इतने सारे स्क्वाड में है, और स्क्वाड में जो इन्होंने मैच खेल रहे हैं वो मैं ऐसे दिखलाता हूँ, यूं दिखलाता हूँ, तो ये मैचेस हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये थिसेरा परेरा है 165, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भी मतलब टॉप विकेट में फिफ्थ है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले डियोन ऑलिवर है और उस्मान शिनवारी, ये 3-3 विकेट, लेकिन लगातार कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा, 3 ही मैच हुए इनफैक्ट, इन्होंने 3 मैच खेल के 6 विकेट निकाले, और ड्यूअन ऑलिवर ने मैच के चौथा मैच होने वाला अभी हुआ नहीं है, तो इस तरह से है। और अविष्का फर्नांडो ने एक ही मैच में कमाल किया 99 रन्स। तो आपको ये प्रॉपर पर्सपेक्टिव आपको नजर आ रहा है, आप उसी हिसाब से आप अपना प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये मैच और ये शीट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये शीट कैसे काम करती है वो आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा। अब जैसे ही ये 9th मैच होगा तो हमने जैसे प्लेइंग 11 ये सब सेलेक्ट किया है, फिर मैं यहाँ मैच के सारे स्कोर्स यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा, विनर डाल दूंगा, तो ये ऐसे इस तरह से काम करेगा। तो उम्मीद है ये शीट आपको पसंद आई होगी,
और ये बिल्कुल नया, मैं गेस नहीं कर रहा हूं कि इसको ले इसको ले, मैं होता कौन हूं ये बताने वाला कि आप किसको ले किसको ना ले। ये तो प्लेयर के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको लेना चाहते हैं किसको नहीं लेना चाहते। तो मेरा काम है आपको एम्पावर करना कि आप किस प्लेयर के साथ खेलें किस प्लेयर के साथ ना खेलें, ये डिसीजन आप खुद का है आप ले सके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।